सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये वाला फोटो किस तरह से एडिटिंग किया जाता है। और दोस्तों, इस फोटो में जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पेन जिसका यूज़ करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फुल एचडी में मिल जाएगा। सो दोस्तों, मैंने इस फोटो को इसलिए बनाया है कि आजकल के जो लोग हैं बहुत ही मतलब नेटवर्क में बहुत ही बिजी हो गया है। सो दोस्तों, मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि सोशल नेटवर्क के ऊपर एक फोटो एडिटिंग किया जाए। सो दोस्तों, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल पे कोई नया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का फोटो एडिटिंग एंड कॉन्सेप्ट लाता रहता हूँ। सो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहला स्टेप में आपको लेना पड़ेगा ये वाला बैकग्राउंड जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड ये वाला बैकग्राउंड एकदम फुल एचडी है। सो दोस्तों, उसके बाद हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाकर हम मॉडल वाला पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, मॉडल का पीएनजी मैंने पहले से ही बना कर रखा है, बैकग्राउंड इरेज कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो। बैकग्राउंड को, मॉडल का बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद इसको पीएनजी बोला जाता है। सो दोस्तों, मैं इस पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लूँगा ठीक से। दोस्तों देखिए, मैं कहाँ पर ऐड करता हूँ, आपको ठीक इसी पोस्ट में एक फोटो क्लिक करना पड़ेगा एंड बैकग्राउंड इरेज कर लेना पड़ेगा। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हम फिर से जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर हम ये वाला लैपटॉप वाला पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये वाला पीएनजी भी आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फुल एचडी में मिल जाएगा। सो दोस्तों देखिए, मैं इस लैपटॉप का पीएनजी को कहाँ पर ऐड करता हूँ। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऐड करने पर यहाँ पर हाथों के नीचे हम ऐड करेंगे। सो दोस्तों, थोड़ा नीचे हो गया। अभी हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाकर हम एक्सेस में जाएंगे। एक्सेस में जाने के बाद हमको ब्राइटनेस को लो करना पड़ेगा, कम से कम यहाँ से कम करता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पर ब्राइटनेस को कम करना पड़ेगा कम से कम 31 माइनस में। सो दोस्तों, माइनस में करने के बाद यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद हमको जाना पड़ेगा फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर हम ये वाला लाइट वाला पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेंगे लैपटॉप के आगे, ताकि देखने में ऐसा रियलिस्टिक सा लुक आए कि लैपटॉप का जो लाइटिंग है वो हमारे फेस पर आ रहा है और बॉडी पर आ रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। एकदम रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पर आ जाएगा। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ से ऐड करने के बाद हम इरेजर में जाएंगे। इरेजर में जाकर हम यहाँ से इरेजर में आ गए हैं। इरेजर में आने के बाद हम हार्डनेस को फुल कर देंगे, ऑपेसिटीज़ को फुल कर देंगे। सो दोस्तों, ये लो हो गया, अभी फुल हो गया। साइज को भी फुल करके जितने भी शेडोज है उनको हम इरेज कर लेंगे। लाइट का मतलब शेडोज जो है सबको इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद हम ड्रॉ में जाएंगे। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी ऊपर से भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ से ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्टिव टूल में जाएंगे, एंड यहाँ पर हार्डनेस को हम रखेंगे 28 में एंड ऑपोसिटिस को रखेंगे 32 में। 32 में रखने के बाद अभी जो बाकी हिस्सा है वहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। सो दोस्तों, यहाँ से ड्रॉ करने के बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे जाकर हाथों के ऊपर जो लाइटिंग आना चाहिए सो यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। देन हम जाएंगे इरेजर वाला आइकन में, साइज को छोटा करेंगे। साइज को छोटा करके हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे, ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक आए। सो दोस्तों, यहाँ से करने के बाद शायद हो गया, हाँ हो गया। होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं एंड यहाँ से इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। इरेज करने के बाद हम यहाँ से ड्रॉ टूल में फिर से जाएंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, अभी हाँ ठीक है, अभी हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हमको जाना पड़ेगा फिर से ऐड फोटो में। सो दोस्तों, अभी हम ऐड फोटो में आ गया हूँ। ऐड फोटो में आने के बाद आपको ये वाला पीएनजी ऐड करना पड़ेगा जहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर आइकॉन है, प्रिंटर का आइकॉन है, इंस्टाग्राम का आइकॉन है एंड ट्विटर का आइकॉन है। सो दोस्तों, इस पीएनजी को हम यहाँ पर ऐड करके डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ पर हम कलर लेंगे, ये वाला कलर, स्काई वाला कलर लेंगे। स्काई वाला कलर लेके यहाँ पर डन कर देंगे एंड यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे सारे के सारे को, जितने भी फोटो है यहाँ पर सबको हम ड्रॉ कर लेने के बाद हम जाएंगे लेयर वाला ऑप्शन में। लेयर वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ पर हम ऑपेसिटीज़ को थोड़ा सा कम कर लेंगे। यहाँ पर मैं ऑपेसिटीज़ को कम करूँगा, 20 में रखूँगा। सो दोस्तों, 20 या 25 के अंदर रखूँगा। सो दोस्तों, मैं रखता हूँ यहाँ पर 20 ही रखता हूँ। हाँ दोस्तों, 20 हो गया। हाँ, 18 में रखता हुआ, 18 में रखने के बाद हम यहाँ से डन कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फिर से जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद थ्री डॉट में क्लिक करके इस पिक को हम अपनी गैलरी में सेव करके हम जाएंगे सीधा लाइटरूम में। सो दोस्तों, ये रहा मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन। दोस्तों, यहाँ से हम अपना पिक ऐड कर लेंगे ऐड में क्लिक करके। सो दोस्तों, अभी ऑल फोटो में आ जाएगा, पहला स्टेप में देखना पड़ेगा, ये रहा। सो दोस्तों, अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लोडिंग हो रहा है। सो दोस्तों, अभी हो गया लोडिंग। सनबल ऑप्शन में जाएंगे, डायरेक्ट हम
एक्स क्रॉस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, देन हम यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। हाईलाइट को हाई करने के बाद हम यहाँ पर शेडोज़ को लो करेंगे। शेडोज़ को लो करने के बाद हम वाइट को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। वाइट को हाई करने के बाद हम यहाँ से ब्लैक को थोड़ा सा लो कर लेंगे। दोस्तों लो करने के बाद हम जाएंगे कलर्स वाला ऑप्शन में। हाँ हो गया, अभी हम कलर्स वाला ऑप्शन में आ गया हो। अभी हम सेचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ से नहीं, पहले हम कस्टम वाला ऑप्शन लेंगे, फिर हम सेचुरेशन को हम थोड़ा सा हाई करेंगे, एंड बीट को हाई करेंगे, टीन को हम कम करेंगे, एंड टेम को हम हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे मिक्स वाला ऑप्शन में। मिक्स वाला ऑप्शन में जाकर हम गुलाबी कलर के ऑप्शन में जाएंगे। लुमिनियस को थोड़ा सा हाई कर लेंगे यहाँ से, एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा लो कर लेंगे। लो करने के बाद हम ग्रीन कलर के ऑप्शन में जाएंगे। ह्यू को हम यहाँ से थोड़ा सा लो कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ह्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम सेचुरेशन को हाई करेंगे एंड लुमिनियस को भी हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद यहाँ से हम स्काई कलर के ऑप्शन में जाएंगे। ह्यू को हम हाई करेंगे, सेचुरेशन को हाई करेंगे, एंड लुमिनियस को हम यहाँ से थोड़ा सा हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद यहाँ से दोस्तों हम जाएंगे बैगनी कलर के ऑप्शन में। ह्यू को थोड़ा सा हाई कर लेंगे। ह्यू को हाई करने के बाद हम सेचुरेशन को हाई कर लेंगे, देन हम लुमिनियस को भी हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे रेड कलर के ऑप्शन में। ह्यू को हाई करेंगे, सेचुरेशन को बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा। हाई करने के बाद हम लुमिनियस को भी हाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे सीधा ट्राइंगल वाला ऑप्शन में। तो दोस्तों ये रहा हमारा ट्राइंगल वाला ऑप्शन। शार्पनेस को हाई करेंगे यहाँ से। शार्पनेस को कम से कम हम रखेंगे 50 में। हाँ 50 में रख लेता हूँ, 52 हो गया। हाँ अभी 50 हो गया, ठीक है। अभी हम मार्किंग को रखेंगे 35 में रखता हूँ। हाँ दोस्तों अभी हम 35 में रखता हूँ। 35 हो सर, 31, 33, 34, 35 हो गया। अभी हम नॉइस को रखेंगे यहाँ से हम 10 में रखेंगे। देन हम कलर नॉइस को भी 10 में रखते हैं। दोस्तों कलर नॉइस को 10, हाँ हो गया, कलर नॉइस 10 हो गया। अभी हम सर्कल वाला ऑप्शन में जाएंगे। सर्कल वाला ऑप्शन में जाकर हम क्लियरिटी को थोड़ा सा हाई करेंगे। क्लियरिटी को भी 10 में रखता हूँ। देन हम बिकनेट को यहाँ से लो कर लेंगे माइनस में। दोस्तों यहाँ पर बिकनेट बहुत ज़्यादा लो करना पड़ेगा क्योंकि ये नाइट वाला फोटो है, तो हमें 30 से कम नहीं चलेगा। दोस्तों और थोड़ा कम कर लेता हूँ, 38 कर लेता हूँ। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लुकिंग आ गया है, एंड ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा पूरी होता है। आई होप कि आज का एडिटिंग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड कमेंट में बताना कि कैसा लगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी धमाकेदार एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो, मस्त करो, बाय बाय।